इस तरह से गिराए जाने वाली ये सबसे ऊंची इमारत भारत में। बिल्कुल, इससे ऊंची इमारत नहीं गिराई गई है, 103 मीटर है। इससे पहले जो कोची में, केरला के कोची में जो बिल्डिंग गिराई गई थी उसको लगभग 50 मीटर, लगभग 55 मीटर की थी, सबसे आधी थी। और कभी हुआ नहीं, गिराया नहीं गया ताबिश। इसके अलावा इतनी क्लोज सिटी में रिहायशी इलाके भी नहीं, देखिए माइनिंग्स में ब्लास्ट होते हैं, सड़कों में होते हैं, पहाड़ों में होते हैं, पर इतने क्लोज रिहायशी इलाके में कभी ब्लास्ट नहीं हुआ है। लेकिन डेमोलिशन किया और उस बिल्डिंग के 3 मीटर बाहर लोग रहते हैं, तो जो 3 मीटर का मार्जिन था तब भी कोई कोलेट्रल, कोई भी जो है चोट नहीं हुई, कोई डैमेज नहीं हुआ, तो वो तैयारी है। ऐसा लगता नहीं है कि डैमेज होगा। एक पूरी क्या क्या है, और जमीन को खोदा गया है नीचे 20 फीट करीबन, ताकि जो मलबा नीचे ही धंसता जाए, और टायर्स लगा दिए और मिट्टी की जो है ढेर जो है आस पास लगा दिया गया है, ताकि अगर मलबा बाहर जाए तो मिट्टी के ढेर के अंदर रहे। तो पूरी टेक्निकलिटीज के साथ तैयारी की गई है। सीबीआरआई जो सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसके चीफ साइंटिस्ट हैं, वो पूरी तरीके से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वाइब्रेशन कितनी होगी वो भी ध्यान रखा गया है, जो वाइब्रेशन है वो 30 mm या तक है, वो नीचे से गड्ढे में आ जाए, 50-60 टन मलबा उसके ऊपर आ जाए। तो तैयारियां पूरी है, एक एक सेकेंड करके हम लोग 2:30 बजे की तरफ बढ़ रहे हैं, और 2:30 बजते ही वो बता दिया, दबा दिया जाएगा, रूटर बजा दिया गया है। इस वक्त चार्ज किया जा रहा है डायनेमो, जो डायनेमो है डिवाइस, उसको हाथ से चेतन दत्ता चार्ज कर रहे हैं शारिक, और आप धीरे 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 2:30 बजते ही वो बटन दबाया जाएगा। सब स्टैंड बाय पर हैं, सबकी सांसें ऊपर नीचे हैं, खासकर अधिकारियों की जो इस वक्त उस एक वैन में है 450 मीटर दूर, जहाँ पर मुकेश हमारे सहयोगी है, वहां पर सब जेपी हॉस्पिटल, फेलिक्स हॉस्पिटल जो कि सबसे नजदीक है, उनको वहां ले जाया जाएगा। और ये मोटर बच गया है, और आप किसी भी वक्त किसी भी सेकंड ये बिल्डिंग जमींदोज होगी तो काउंटडाउन शुरू हो गया है। इस वक्त यहां पर सब स्टैंड बाई पर हैं, डायनेमो चार्ज कर लिया गया, किसी भी वक्त जो ब्लास्टर चेतन दत्ता हैं वो बटन दबाकर ये ब्लास्ट करेंगे। उनके साथ में एडिफाइस के मयूर मेहता और उनके जो भाई हैं वो भी मौजूद रहेंगे, उत्कर्ष मेहता, दोनों ही भाई हैं, दोनों ही प्रोजेक्ट मैनेजर हैं साथ में। उसके अलावा जो जेम कंपनी के जो उनके सबर्ण, और ये देखिए तो क्या मलबा डिवाइस, ये जो भ्रष्टाचार का टावर है वो समीदोष हो गया है, और धूल का गुबार देखिए 2:30 बजते ही इसको डाया गया है, जो धूल का गुबार है, और आप देखिए किस तरीके से जो एक पूरा गुबार है फूटता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त और क्या मलबा अगल बगल एमरल्ड में या फिर एटीएस विलेज में गया है, ये विस्फोट जब ये धूल कम होगी तब पता चलेगा। और जो नोएडा अथॉरिटी और एडिफाइस का कहना है कि ये जो धूल है वो लगभग 15 से 20 मिनट में सेटल होगी, और इस